हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको अपने जिस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं उसे भारत का सबसे खूबसूरत राज्य माना जाता है साहब, जिसकी कला और संस्कृति पूरे भारत की पहचान है। इस राज्य को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है इसी राज्य में। भारत का वो राज्य जहाँ के रेगिस्तान में ऊंट की सवारी के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। यहाँ के बड़े महल और राजा महाराजाओं के किले इस राज्य को खास बनाते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन और रुतबा भारत के बाकी राज्यों के लोगों से काफी अलग है। इस राज्य के लोग अपने पहनावे से भी जाने जाते हैं। एक ऐसा राज्य जिसने हमेशा भारत देश की कला और संस्कृति को एक अलग पहचान दी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के खूबसूरत ऐतिहासिक राज्य राजस्थान की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं राजस्थान के एक शानदार सफर पर। सिटी ऑफ कलर्स के नाम से मशहूर राजस्थान एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है। आपको अगर भारत देश की कला और संस्कृति के बारे में जानना है तो एक बार राजस्थान जरूर जाकर देखें। आज भी जब कभी राजस्थान का नाम लिया जाता है तो हमारी आंखों के आगे थार रेगिस्तान, ऊंट की सवारी, घूमर और कालबेलिया डांस आता है। इस राज्य को राजा महाराजाओं का देश कहा जाता है क्योंकि आज भी इतिहास के कई बड़े योद्धाओं के किले राजस्थान के कई जिलों में मौजूद हैं। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से जुड़ी हुई है। राजस्थान को रंगों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के हर शहर का नाम रंगों के साथ लिया जाता है। जैसे जयपुर गुलाबी रंग के नाम से प्रसिद्ध है, उदयपुर सफेद, जोधपुर नीला और झालावाड़ की पहचान है बैंगनी। राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को 22 शाही राज्यों और सियासतों के विलय के बाद हुआ। सिर्फ ये राज्य क्षेत्रफल के लिहाज से ही भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जैसलमेर भारत का सबसे बड़ा जिला है। जैसा कि सभी जानते हैं कि राजस्थान राज्य की ऑफिशियल राजधानी है जयपुर, जिसकी स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा सन 1727 में की गई। राजस्थान की बात हो और यहाँ के रेगिस्तान की बात ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान का थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। इस रेगिस्तान का 60% से अधिक हिस्सा राजस्थान राज्य में है और कुछ गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। 2015 के पर्यटन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान एक ही साल में विदेशी पर्यटकों की यात्रा की संख्या में भारत के शीर्ष 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 5वें स्थान पर हैं। यानी कि राजस्थान में हर साल आने वाले सैलानियों में विदेशी सबसे ज्यादा शामिल हैं। राजस्थान के जयपुर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाबी रंग मेहमानों के आदर सत्कार के साथ स्वागत का प्रतीक है। दरअसल जब 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आने की खबर मिली तो उनके स्वागत के लिए महाराजा सवाई मानसिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा दिया। तब से उस शहर का नाम पिंक सिटी पड़ गया। जयपुर पूरे भारत में सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है क्योंकि अपराधों के मामले में ये सबसे कम अपराध होने वाला शहर है। राजस्थान राज्य अपने प्रख्यात मंदिरों के लिए जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के सभी मंदिर अपने पीछे कोई ना कोई रोचक कहानी समेटे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है पाली में बुलेट बाबा का रहस्यात्मक मंदिर। इस मंदिर में बुलेट बाइक की पूजा की जाती है। यहाँ पूरे देश से बाइक राइडर और अन्य लोग आकर सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं। क्या आपको पता है राजस्थान में चलने वाली पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन दुनिया की सबसे शानदार लग्जरी ट्रेनों में से एक है। सारी सुविधाओं से भरपूर पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत 26 जनवरी 1982 से हुई और तब से आज तक इन 32 सालों से पैलेस ऑन व्हील्स करीब 50,000 यात्रियों को आलीशान हवेलियों, शानदार किलों और रेत के टीलों की सवारी करवा चुकी है। 7 रात और 8 दिनों के इस सफर में ये ट्रेन राजस्थान के जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर समेत आगरा की भी सैर करवाती है। राजस्थान राज्य में भारत की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिस पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू बसता है, जो कि अपने झरने, झीले और हरे भरे जंगलों की खूबसूरती के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, राजस्थान राज्य में भारत के एकमात्र खारे पानी की नदी है और जिसका नाम है लूणी, जो राजस्थान के थार रेगिस्तान से गुजरात के कच्छ के रण तक बहती है। इस नदी को लेकर खास बात यह है कि अजमेर से लेकर बाड़मेर तक तो इस नदी का पानी मीठा है, जबकि इसके आगे निकलते ही इसका पानी खारा हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जब ये राजस्थान के रेगिस्तान से होकर गुजरती है तो उसमें मौजूद नमक के कण इसमें मिल जाते हैं तो पानी खारा हो जाता है। राजस्थान की काली बंगन वो जगह है जहाँ पहली बार खेती की गई थी। इसके अलावा ये स्थान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक हिस्सा रही है। इसके अलावा प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार पुष्कर में दुनिया का एकमात्र भगवान ब्रह्मा मंदिर भी है। राजस्थान का जैसलमेर जिला वही जिला है जहाँ पोखरण टेस्ट की
किया गया था। दरअसल जैसलमेर जिले में पोखरण एक ऐसा शहर है जहां भारत का पहला परमाणु परीक्षण साल 1974 में किया गया। इसके साथ ही राजस्थान राज्य हमेशा से ही वीरों की भूमि कहलाती है, जिसमें महाराणा प्रताप जैसे कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने कभी भी मुगलों समेत किसी भी बाहरी आक्रमणकारियों से हार नहीं मानी और सभी विदेशी ताकतों का हर बार डटकर मुकाबला किया। आपको बता दें कि राजस्थान में 8 तरीके की डांस फॉर्म होती है, जिसमें कालबेलिया नामक एक जनजाति है जो अपने अनोखे डांस के लिए जानी जाती है। कालबेलिया जनजाति में पुरुष बांसुरी बजाकर सांपों से नृत्य करवाते हैं, जबकि सुंदर महिलाएं बांसुरी की धुन के साथ मनमोहक नृत्य करती हैं। अपने अलग अलग संस्कृति और कला के लिए मशहूर राजस्थान को सिटी ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 370 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के किसी भी दूसरे राज्य में पक्षियों की इतनी प्रजातियां नहीं मिलती। राजस्थान के लोग काफी खुश मिजाजी होते हैं। यहाँ के लोग आपको कभी घर की कमी महसूस नहीं होने देते और ये लोग अपने मेहमानों की खातिरदारी के लिए भी जाने जाते हैं। राजस्थान का पहनावा और कल्चर यहाँ की पहचान है। यहाँ के पुरुष आपको बड़ी मूछों और पगड़ी के साथ दिखाई देंगे। जयपुर के एक व्यक्ति का नाम तो आज सबसे बड़ी पगड़ी पहनने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। जयपुर के राम सिंह सबसे बड़ी मूछें रखने वाले भारतीय हैं, जिनके चर्चे दुनिया भर में फैले हैं। यहाँ के महिलाओं को भी अलग अलग रंगों की साड़ी पहने देखा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सबसे ज्यादा संख्या की सूची में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में कुल 3 हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ के जयपुर का जंतर मंतर भी इस सूची में शामिल है। 18वीं सदी की शुरुआत में राजा सवाई जयसिंह ने पूरे भारत में 5 जंतर मंतर का निर्माण किया, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इसके अलावा जब कभी भी सबसे अधिक टिलो वाले भारतीय राज्यों की बात आती है तो राजस्थान महाराष्ट्र के बाद सूची में दूसरे स्थान पर है। इस राज्य में 45 से ज्यादा किले पाए गए हैं। राजस्थान के सबसे बड़े किले की बात करें तो वो है चित्तौड़ का किला, जयपुर स्थित हवा महल, उदयपुर में लेक पैलेस, जैसलमेर में गोरबंद पैलेस, डूंगरपुर में उदय बिलास पैलेस, जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस और डेल्डागढ़ में देवीगढ़ पैलेस को देखने हर साल लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं। राजस्थान के शहरों की बात करें तो उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने सन 1559 में की। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की हवेलियां और महल देखकर दुनिया भर के पर्यटक आकर्षित होते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है और ये राज्य के शाही महलों और लड़ने वाले ऊँटों के साथ एक रेतीले रेगिस्तान के लिए पॉपुलर है। जैसलमेर को लेकर एक रोचक तथ्य ये भी है कि जैसलमेर जिले का कुलधारा गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव के लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली कर दिया और यहां से चले गए। ऐसा मानना है कि जाते जाते लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ कभी कोई नहीं बच पाएगा, तब से ये गांव वीरान पड़ा है। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में 38 किलोमीटर लंबी दीवार है और ये चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जबकि ये किला राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा किला है। साथ ही जयबाण तोप विश्व की सबसे बड़ी तोप है, जो राजस्थान के जयपुर की शान है। ये तोप जयगढ़ किले में स्थित है और राजस्थान के इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ये तोप कितनी खास है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब एक बार परीक्षण के लिए इससे गोला दागा गया तो वो 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरा और जहां गिरा वहां एक तालाब बन गया। देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में 25,000 से भी अधिक काले रंग के चूहे रहते हैं। यहाँ इन चूहों को सबसे पवित्र माना जाता है और इसीलिए यहाँ आने वाला हर भक्त इन्हें दूध और अन्य प्रसाद का भोग लगाता है और इन चूहों की पूजा करता है। राजस्थान अपने खान पान को लेकर बहुत चौकीन है। राजस्थानी जयपुर की बात करें तो यहाँ लाल मांस पसंद किया जाता है। इसमें दही, गरम मसालों और लाल मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लाल मांस को गर्मियों में गेहूं की रोटी और सर्दियों में बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। दोस्तों, खरीदारी की बात करें तो ये राज्य भारत में अपनी नीली मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। साथ ही राजस्थान राज्य को मसालों का राजा भी कहा जाता है। जोधपुर में क्लॉक टावर मार्केट और उदयपुर में चाय और मसाला बाजार कुछ खुशबूदार मसाले खरीदने के लिए लोकप्रिय बाजार है। राजस्थान वो जगह है जहां आपको दुनिया की सबसे बेस्ट ज्वेलरी मिलेगी। राजस्थान की ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स चीजें हर जगह काफी पसंद किए जाते हैं। चाहे आप सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, कुंदर, नक्काशीदार ट्रिंकेट या मीना चाहते हो तो राजस्थान जरूर आइए। राजस्थान में पतंगबाजी का काफी जुनून है। इसके अलावा हर साल जनवरी के महीने में जयपुर का एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन करता है। दूसरे राज्य के लोग हर साल इस उत्सव में भाग लेने खासतौर पर जयपुर जाते हैं। तो दोस्तों, ये था किलो का राज्य राजस्थान।
आप में से अगर कोई है राजस्थान से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, ये भी बताना कि आप कहां से हैं। राजस्थान के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा जरूर पार्ट टू। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।